कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी है। लीगी कारकुनों की जानिब से हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी इस वक्त जारी है। लीगी कारकुनों की जानिब से भरपूर अंदाज में हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी जारी है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज की जमानत में 11 जून तक की तौसी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग, साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस के हवाले से ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज अबूरी जमानतों में तौसी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान ये तय पाया कि हमजा शहबाज की जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग, साफ पानी और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानतों में तौसी के लिए हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत की जानिब से हमजा शहबाज की जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी है। मजीद तफसीलात उमर शाकिर से जान लेते हैं। उमर शाकिर बताइए जी। लाहौर हाईकोर्ट में रमजान शुगर मिल आमदन से जायद असातों साफ पानी स्कैंडल में मुलव्वस हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर सुनवाई हुई है। अदालत ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी है और रात को 11 जून तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। आज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की तीन मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर सुनवाई की। अदालती हुक्म पर हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए और आज उनके वकील आजम नजीर तारण की जानिब से अदालत से इस्तेलाह की गई कि अदालत हमजा शहबाज को छुट्टियों ईद की छुट्टियों तक रिलीफ दे और ये मुकदमा जो है वो ईद की तातीलात के बाद सुना जाए।